ओके, तो इसमें हम आपको सिखाते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। उसमें जो मेजर पार्ट अभी डिस्कस करेंगे वो सीरीज पार्ट, क्योंकि सीरीज थोड़ा सा इजी पड़ता है और एग्जाम में क्वेश्चन इसका श्योर आता है। सीक्वेंस का भी श्योर आता है, सीक्वेंस में थोड़ा थ्योरी ज्यादा है और इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है। थ्योरी है पर प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन थोड़ा हो जल्दी जाता है। तो सीक्वेंस क्या होती है, देखो A1, A2, A3 लगा दो ना ऐसे AN एंड गो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस के इस टर्म की वैल्यू निकाल लो तो उसे लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। एन की लिमिट निकाल लो, मतलब एन की वैल्यू कब, व्हेन एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, तब की वैल्यू निकाल लो तो उसे कहते हैं लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। मैं अभी लिख के देता हूं, इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एन इज एल, एल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, देन सीक्वेंस एन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल और बाय दिस सिंबल, ये दोनों सिंबल सीक्वेंस के हैं। कई लोग एफ एन भी कह देते हैं, इक्वल टू फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, एफ एन भी बोल देते हैं इसी को। तो इफ दिस हैपेंस देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, या ऐसे भी कह देते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल। सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेज टू एल, ये सब एक ही बात है। तो ये क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल कब होता है, जब इसका nth टर्म फाइनाइट हो। nth टर्म कौन सा, nth टर्म एट इन्फिनिटी, मतलब जो इन्फिनिटी पे जाके जो टर्म आएगी ए इन्फिनिटी, अगर थोड़ा गलत तरीके से बोले तो ए इन्फिनिटी फाइनाइट होना चाहिए, टर्म एट इन्फिनिटी शुड बी फाइनाइट फॉर कन्वर्जेंस। अब ए इन्फिनिटी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके लिखने का तरीका ये है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई। इसी तरह इसे कहते हैं सीरीज, A1 + A2 + A3 + An + कंटिन्यू, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। और सीरीज को सिग्मा An से डिनोट करते हैं, एन वेरीज बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। बेटे ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है आपके पास, ठीक है बेटा, मैं काफी फर्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल साफ ही जाए, बीच बीच इसको ठीक करते हैं ऐसा जाए, लेकिन वो नेट कम ज्यादा होता रहता है तो वो गड़बड़ कर लेता है। इसको कहते हैं n=1 to infinity ऑफ an। अगर ये सम फाइनाइट हो, ये इनफाइनाइट सम हो गया ना, इसकी वैल्यू l हो, दिस सम इज इक्वल टू दिस सम इज इक्वल टू एल, इफ दिस हैपेंस देन सीरीज कन्वर्जेस टू एल, देन सीरीज कौन सा सीरीज, सिग्मा एन एन इक्वल टू 1 to infinity कन्वर्जेस टू एल। सीरीज कन्वर्जेंट और सीक्वेंस कन्वर्जेंस में फर्क समझे, सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, जब एन का लिमिट फाइनाइट हो, ये लिखा है एन का लिमिट फाइनाइट हो, इसको कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट, और सिग्मा एन अगर फाइनाइट हो तो इसको कहते हैं सीरीज कन्वर्जेंट। ये चीज
तो कहते हैं सीरीज कन्वर्जेंट। अब इसी को ना एक और तरीके से लिखते हैं, ये सिग्मा एन इक्वल टू वन टू एन लिख दो, यहां ए एन लिख दो और बाहर लिख दो लिमिट एन अप्रोचेज इनफिनिटी। तो ये और ये एक ही बात है, एन की वैल्यू वन से लेकर कहां तक, एन एन तक, वो एन क्या है, इनफिनिटी है। तो सिग्मा ए एन का मतलब है एन टर्म्स का सम करें और उस एन को इनफिनिटी कर दें। तो ये और ये एक ही नोटेशन है बेटा, इसमें सीरीज सिग्मा ए एन कन्वर्जेस टू एल कहते हैं। तो मैं फिर से आपको थोड़ा समराइज कर देता हूं कि इफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन इज एल देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट। नंबर टू, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ऑफ सिग्मा ए एन ए वन प्लस ए टू, अगर मैं ऐसे बोलूं प्लस ए एन, अगर ये चीज एल है तो ए एन लिख जरूरी है, पर एन क्या है, इन्फिनिटी, दिस इज अप टू ए इन्फिनिटी, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर फाइनाइट है तो सीरीज कन्वर्जेंट। डाउट हो पूछो बेटा। दोनों में फर्क साफ दिखता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ इट्स एनथ टर्म एट इन्फिनिटी इज फाइनाइट, मतलब ए इन्फिनिटी फाइनाइट, और सीरीज कन्वर्जेंट जब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए इन्फिनिटी फाइनाइट। अगर सम फाइनाइट है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और एनथ टर्म फाइनाइट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट। ओके, तो आपने देखा कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी सिग्मा ए एन, यहां पर एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे वेयर एन इज इनफिनिटी, बात वही है, लेकिन अगर यहां एन अप्रोच इज इनफिनिटी लिख रखा है तो ये तरीका है। तो इफ दिस इज से सिग्मा, एल की जगह सिग्मा लिख दिया तो देन क्या होगा, तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट। अच्छा, ये मान लो ये चीज निकाली आपने और ये प्लस माइनस इन्फिनिटी निकल गई, प्लस इन्फिनिटी निकल जाया माइनस इन्फिनिटी, तो बोलेंगे सिग्मा ए एन इज डायवर्जेंट, डायवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एज द केस मे बी, देन सिग्मा ए एन इज डायवर्जेंट। और अगर इसकी लिमिट निकाली और कंक्लूजन नहीं निकला, नो कंक्लूजन, ना फाइनाइट निकला ना इनफाइनाइट निकला, कुछ वैसे कुछ लिमिट निकल ही नहीं पा रही ठीक सी, तो नो कंक्लूजन मतलब, तो बोलेंगे नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, नो कंक्लूजन आ जाए, है ना, कन्वर्जेंट भी नहीं निकला डाइवर्जेंट भी नहीं निकला, नो कंक्लूजन। तो ऐसी सीरीज जनरली कैसी होती है, ऑसिलेटरी, जिसमें कोई डिसीजन ही ना हो पाए तो वो ऑसिलेटरी। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, ये थोड़े फैक्ट्स ध्यान रखोगे तो फिर हम क्वेश्चंस को कर सकेंगे कि सिग्मा ऑफ मॉड ए एन, मान लो आपने इसका कन्वर्जेंस निकाला, ये सीरीज कन्वर्ज कर गई, सिग्मा ऑफ मॉड ए एन कन्वर्जेज, तो इसका मतलब है सिग्मा ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। मॉड ए एन कन्वर्ज कर दो, मॉड को अगर हटा दोगे तो उसको एब्सोल्यूटली वर्ड डालना पड़ेगा, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। इसको अभी टाइमिंग के लिए याद कर लो, एक ये थ्योरम का रिजल्ट है, थ्योरम आजकल तो ये आप ही कम है, वैसे है ये थ्योरम का रिजल्ट, और थ्योरम सब प्रूवेबल होती है, खूब टाइम लगता है। सिग्मा मॉड ए एन कन्वर्जेज,
का मतलब है सिग्मा ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो मॉड एन तो वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा। अब आपको सेकेंड फैक्ट बताता हूं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, ये कभी नॉन जीरो निकल जाए किसी भी सीरीज के लिए, ये निकल जाए लिमिट ऑफ ए एन इज नॉन जीरो, नॉन जीरो निकल जाए तो इसका मतलब होगा कि सीरीज सिग्मा ए एन इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब है सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो सकता है, नॉन जीरो आया हुआ ना तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट, लेकिन सीक्वेंस नहीं ये लिख रहा हूं मैं, सीरीज, सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, सिग्मा ए एन डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी। फार्मूले की तरह याद करना है, इसका नाम मैंने जो रखा हुआ है लिमिट ए एन टेस्ट, अपनी बुक्स में तो इसका कुछ नाम दिया नहीं है लेकिन ये बहुत फेमस टेस्ट है लिमिट ए एन टेस्ट, क्योंकि आपको ना सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताने पड़ेंगे क्वेश्चंस के साथ, तो उस टाइम पर ये बहुत हेल्प करता है कि लिमिट ऑफ ए एन मान लो हाफ आ गई तो सीधा कह देते हैं सिग्मा ए एन क्या कर गया, डाइवर्ट कर गया, तो कन्वर्जेंस टेस्टिंग में ये काम आता है। उसके बाद एक फैक्ट और अभी याद कर लिया जाए, वैसे इसकी जरूरत तो बाद में है, इसे कहते हैं पी टेस्ट। ऐसे इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं आपको समझा सिखा दूंगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। सिग्मा वन बाय एन टू द पावर पी कन्वर्जेज, फैक्ट है ये याद कर लो सीधा, इफ एंड ओनली इफ, ये पी टेस्ट है, बहुत पावरफुल टेस्ट है, आई डबल एफ लगे होने की वजह से ये टू वे ट्रू है कि इफ एंड ओनली पी ग्रेटर देन वन, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट, पी ग्रेटर देन वन तो ये कन्वर्ज करेगा और पी लेस देन वन तो ये डाइवर्ज करेगा, पी इक्वल टू वन तो ये डाइवर्ज करेगा क्योंकि आई डबल एफ लगा हुआ है। वैसे क्या होता है ज्यादातर टेस्ट साइलेंट होते हैं कि लिमिट ए एन क्या है, नॉन जीरो, फिर तो डाइवर्ज करेगा, लेकिन लिमिट ए एन जीरो तो कोई पता नहीं क्या होगा, ये वन वे टेस्ट होते हैं, पर ये टू वे टेस्ट है, पी ग्रेटर देन वन तो कन्वर्जेंट और पी लेस देन और इक्वल टू वन तो डाइवर्जेंट, इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ये वीक टेस्ट है ये वाला, क्यों, लिमिट ए एन नॉन जीरो आ गया सिग्मा ए एन डाइवर्ज कर गया, लिमिट ए एन जीरो आ गया तो सिग्मा ए एन मे डाइवर्ज और मे कन्वर्ज ऑल्सो, वी डोंट नो, तो ये वन वे टेस्ट है, ये टू वे टेस्ट है। दैट वे जैसे सिग्मा वन बाय एन स्क्वायर, सिग्मा वन बाय एन क्यूब, ये सब कैसे कन्वर्जेंट है, क्यों, यहां पर पी की वैल्यू टू और यहां पर पी की वैल्यू थ्री, पी ग्रेटर देन वन है, इसलिए दोनों कैसे हैं, कन्वर्जेंट है। बहुत सारे सीरीज को हम देख के बोल देते हैं कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट का मतलब समेबल, द सीरीज सम कैन बी फाउंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब है इफ एस इन्फिनिटी कैन बी फाउंड देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट, और इफ टर्म एट इन्फिनिटी कैन बी फाउंड देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट। मैंने काफी फर्क किया आपको समझाने की कि ये होता क्या है कन्वर्जेंट, इफ एस इन्फिनिटी कैन बी फाउंड, एस इन्फिनिटी सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स निकल सकता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होता है, और टर्म एट इन्फिनिटी निकल सकता है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। अब आपको मैं कुछ एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर इनको यूज करना तो थोड़ा देर है उसमें, देखता हूं। तो इसमें एक मैंने बताया कई सारे टेस्ट होते हैं, तो इसमें वो टेस्ट हमने बता दिए थोड़े बहुत,
लेकिन इसमें फर्स्ट टेस्ट है मेन टेस्ट, लेबनीज टेस्ट कहते हैं इसको। लेबनीज का बनाया हुआ ये टेस्ट है, इसमें लिखा है वीएन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात ये आती ही रहती है, तो मैं यहां पर एक फैक्ट लिख देता हूं, सीक्वेंस वीएन इज डिक्रीजिंग। याद करो, इफ वी एन प्लस वन माइनस वी एन लेस देन जीरो, या लेस देन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ना, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो भी चलता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ वी एन प्लस वन माइनस वी एन लेस देन जीरो, यहां स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो यहां इक्वल साइन लगाया जा सकता है। वैसे डिक्रीजिंग वी एन प्लस वन माइनस वी एन लेस देन जीरो आर बेस्ट है, तो ये डिक्रीजिंग का फार्मूला याद कर लो। सीक्वेंस वी एन इज इंक्रीजिंग इफ वी एन प्लस वन माइनस वी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसमें इंक्रीजिंग होता है, उसमें डिक्रीजिंग होता है। तो अब आप रीड करो, ये टेस्ट है, हम लोगों को याद करना है फार्मूला। आइए, Bn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड कन्वर्जेस टू जीरो इफ का मतलब गिवन Bn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, Bn प्लस वन माइनस Bn लेस देन और इक्वल टू जीरो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड कन्वर्जेस टू जीरो। और वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस की बात हो रही है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वी एन क्या होना चाहिए, जीरो। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो लेबनीज टेस्ट एप्लीकेबल है। देन के बाद ये कंक्लूजन, तो कंक्लूजन इसका ये है, अगर वो गिवन हो तो कंक्लूजन वैलिड होगा। कंक्लूजन ये है कि सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन वी एन इज कन्वर्जेंट। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको अगर ओपन करें ना, ओपन करें तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी। माइनस एन की वैल्यू वन डाल दो, माइनस वन की पावर जीरो वन वी वन, एन की वैल्यू टू डाल दो तो माइनस वी टू, एन की वैल्यू थ्री डाल दो तो प्लस वी थ्री, अल्टरनेटिंग सीरीज होती है ये, माइनस वी फोर। अल्टरनेटिंग सीरीज का यूनिक टेस्ट यही अवेलेबल है, रिमेनिंग जो टेस्ट है वो अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट नहीं है। सारे टर्म पॉजिटिव होने चाहिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, और नेगेटिव है भी तो वो एडजस्टेबल होना चाहिए नेगेटिव। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट है, तो ये कंक्लूजन हो गया। अब यहां पर एक बात मैं बता दूं, एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी हो या एन इक्वल टू 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 इनफिनिटी हो, माइनस वन की पावर एन माइनस वन हो या एन प्लस फाइव वी एन हो, तो भी क्या है, कन्वर्जेंट, मतलब स्मॉल छोटे मोटे चेंजेस इसमें अलाउड है। मेनली मतलब जब प्रूव करते हैं तो प्रूव तो वही करते हैं, लेकिन यूज में यूज करते टाइम ये टू टू इनफिनिटी भी हो सकता है, ये ट्वेल्व टू इनफिनिटी भी हो सकता है। सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी माइनस वन की पावर एन वी एन इज कन्वर्जेंट, ये सब एक ही बात है, जो वो लिखा है वही ये लिखा है वही ये लिखा है। बेटे कोई डाउट हो पूछ लो। वैसे तो इस थ्योरम का ना प्रूफ कभी कभी आता है एग्जाम में, पर अभी हम प्रूफ में इन्वॉल्व नहीं, प्रूफ काफी पिकुलियर है इसका, लेंदी, अभी तो मैं इसका यूज सिखाता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 2017 में आया था, एग्जाम्पल लिखा है, मे नॉट बी इन नोट्स, तो आप अपना क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन मैं करके देता हूं। हियर इज द सोल्यूशन, सिग्मा माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन वन बाई एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो पहले इसको ना कंपेयर कर लो, माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू वी एन से,
और इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा एन वेरीज बिटवीन वन एंड इन्फिनिटी और टू एंड इन्फिनिटी, नहीं लिखा, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वन वैसे एन वेरीज बिटवीन वन एंड इन्फिनिटी आप चाहे लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते, वन बाई जीरो का सेंस नहीं बनेगा। तो एन इक्वल टू जीरो इसमें एप्लीकेबल नहीं है वन बाई जीरो की वजह से, और वन से सेंस बन जाएगा। एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ले लो, टू टू इन्फिनिटी, थ्री टू इन्फिनिटी, चाहे कार्य करते हैं कन्वर्जेंस सेम आएगा। तो वी एन की वैल्यू वन बाई एन बन गई। तो अब आप बी एन प्लस वन माइनस बी एन निकालो, लेबनीज टेस्ट कहता है बी एन प्लस वन माइनस बी एन कैसा आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए। बोलिए बी एन प्लस वन हो गया वन बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन ले लो एलसीएम, न्यूमरेटर में एन माइनस वन कैंसल हो गया, ये हो गया नेगेटिव। ध्यान से देखो एन इज नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव, माइनस वन कैसा है नेगेटिव, बी एन प्लस वन माइनस बी एन लेस देन जीरो आ चुका है। बी एन प्लस वन लेस देन बी एन मतलब कि नेक्स्ट टर्म बी एन प्लस वन कौन सा है, सक्सेडिंग टर्म इज स्मॉलर देन प्रिसीडिंग टर्म, तो सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये क्या है सक्सेडिंग स्मॉलर देन प्रिसीडिंग टर्म। ऐसे समझो आप वन वन बाय टू वन बाय फोर वन बाय एट, ये क्या है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्यों, सक्सेडिंग इज स्मॉलर देन प्रिसीडिंग, सक्सेडिंग इज स्मॉलर देन प्रिसीडिंग। आप खूब देखो कि बी टू लेस देन बी वन आया, बी थ्री लेस देन बी टू है, सक्सेडिंग लेस देन प्रिसीडिंग, और इसीलिए ये सीक्वेंस कैसा है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बी एन प्लस वन लेस देन बी एन का डायरेक्ट मीनिंग होता है सीक्वेंस बी एन इज डिक्रीजिंग। तो एक तो डिक्रीजिंग प्रूव करना पड़ता है, दूसरा लिमिट ऑफ बी एन जीरो प्रूव करनी होती है लेबनीज टेस्ट में, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन वन बाई एन, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो गया जीरो वो आ गया, और इसलिए आपकी ये सीरीज कैसी हो गई कन्वर्जेंट। देयरफॉर बाय लेबनीज टेस्ट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ये अकेला लेबनीज टेस्ट, एक ही टेस्ट अवेलेबल है अल्टरनेटिंग के लिए, बाय लेबनीज टेस्ट सिग्मा माइनस वन की पावर एन माइनस वन बी एन इज कन्वर्जेंट। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं, इसके अच्छे अच्छे होते हैं। देखो हो गया, डाउट पूछो बेटे, और वो भी देखो यूनिवर्सिटी का पहला क्वेश्चन आपने यूनिवर्सिटी पेपर में आया हुआ, अभी ये भी कर लोगे, ये देखो सामने लिखा सिग्मा माइनस वन की पावर एन, इसका इन्होंने जो ये बी एन दिया ना, बी एन या ए एन जो भी बोलो, ये टफ दिया बहुत, इसको मैं कंपेयर तो यहीं पर कर देता हूं। सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन इंटू वी एन, ये जो वी एन है ये थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, ठीक है, पर कुछ हार्ड नहीं, हम बता देंगे इसकी ट्रिक। तो वी एन आपको दिखाई पड़ने लग गया क्या चीज है, इसमें वी एन की वैल्यू बढ़ती है ये वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस कंटिन्यू प्लस वन बाय एन अपॉन एन, ये अपना बी एन है। आपको ना एक तो इसमें प्रूव करना होता है बी एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड मेनली आपको प्रूव करना बी एन कन्वर्जेस टू जीरो, बी एन कैसा होना चाहिए डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जिंग टू जीरो। आपकी सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये, इसमें ये जो इधर वाला पॉजिटिव टर्म है, मैं इसको ना पहले कन्वर्जिंग टू जीरो प्रूव कर देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। इसे कर दो कन्वर्जिंग टू जीरो, इसमें डिक्रीजिंग प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं पड़ती। तो कन्वर्जिंग टू जीरो इसे प्रूव करना है, तो इसको क्या है कि इसे आप जो ये दिया हुआ
कंपेयर कर दो इसके साथ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An बाई N के साथ कंपेयर कर दो, जो ये गिवन है उसको इसके साथ कंपेयर कर दो, ठीक है? ओके, कंपेयर कर दिया, हमारे साथ रहना, फिर मैं बता सकूंगा आपको। अब आपको लिमिट ऑफ bn इक्वल टू जीरो लाना है, लिमिट ऑफ bn फिर निकालने लग गई, वो लिमिट ऑफ bn है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाई n इक्वल टू, जो आपका bn था काफी डिफिकल्ट मालूम पड़ा और वो bn इसके साथ कंपेरेबल था। आप बोलोगे ये कहां से आ गया, कैसे? तो इसकी प्रैक्टिस आपको सीक्वेंस में और भी कराई जाएगी, अभी फिलहाल ये जान लो इसके साथ बिल्कुल कंपेरेबल है ये, और इसलिए मैंने लिमिट वर्ड दोनों तरफ लगा दिया। और ये वाली जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an के इक्वल होती है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इसे कहते हैं कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे, वहां सीक्वेंसेज के अंदर इसका प्रूफ है, यहां नहीं है। कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ये हमने लिख दी है, अगर सीक्वेंस करके आते तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लगता, अभी भी नहीं लग रहा मैंने काफी, क्योंकि ये फार्मूला मैंने बोला फार्मूला है यार। इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम होती है, तो ए एन देखो, ए एन क्या है, ए एन है 1/n, वो 1/n को आपने ए एन बोला, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n और 1/∞ जीरो। इस तरह से सीक्वेंस वी एन कन्वर्जेज जीरो। अच्छा, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस हो कोई, ध्यान दो, 1, 1/2, 1/4 पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस हो ना, और उसका कन्वर्जेंस हो जीरो, जीरो की तरफ जा रहा हो उसका 1/2, 1/4, 1/8 जीरो की तरफ जा रहा हो, तो वो सीक्वेंस को डिक्रीजिंग होना ही पड़ेगा, सीक्वेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग होगा, नहीं तो जीरो की तरफ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, और वो अगर इंक्रीजिंग है तो वो जीरो को कन्वर्ज नहीं कर सकता। ध्यान दो, 1, 2, 3 ये सीक्वेंस तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, जीरो की तरफ नहीं जा सकती, ये पावर नहीं है, मैंने वैसे 1, 2, 3 लिखा, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, राइजिंग सीक्वेंस है। तो जो सीक्वेंस जीरो की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग प्रूव करने में थोड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है बहुत वो प्रूव करना, कॉम्प्लिकेटेड है। तो पॉजिटिव टर्म, अब पॉजिटिव टर्म पक्के हैं, क्यों, इसको देखो, इसके वी एन को इसको देखो, इसमें नेगेटिविटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 पुट करोगे इस मटेरियल में, तो जो भी टर्म इससे जनरेट होंगे वो सब पॉजिटिव टर्म होंगे, और पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस और जीरो है उसका कन्वर्जेंस, तो इसे डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू जीरो, मस्ट बी डिक्रीजिंग, ये कॉमन सेंस से हमने उसको डिक्रीजिंग जस्टिफाई कर दिया, तो बी एन जीरो को कन्वर्ज भी करता है और ऊपर से डिक्रीजिंग भी है, जो डिक्रीजिंग इजी टू प्रूव हो तो इजीली प्रूव कर देना, डिक्रीजिंग इजी टू प्रूव नहीं है तो ये सेंटेंस लिख देना, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होते हैं जनरली, और पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं है, उसे डिक्रीजिंग होना ही पड़ेगा। और इसलिए क्या हुआ कि सिग्मा माइनस 1 टू द पावर एन वी एन इज कन्वर्जेंट बाय
लेबनीज टेस्ट। बेटे डाउट पूछिए, बिल्कुल बताऊंगा। मैंने बहुत ही नेचुरल कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, इतनी नेचुरल नहीं है वो, आप वहां रीड करोगे स्टडी करोगे, मैंने उसको ना सीधा सीधा यहां लिख दिया और उससे आपको दिक्कत नहीं आई, ठीक है। नहीं तो वो उल्टा पुल्टा लिखा होता रिजल्ट इनडायरेक्ट तरीके से, ये बिल्कुल मैंने उसी रिजल्ट को डायरेक्ट लिख दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं गलत लिखा, नहीं लिखा भी सही है और डायरेक्ट लिखा कि दिस लिमिट इक्वल टू दिस लिमिट, ठीक है। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने। बेटे डाउट पूछो। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, शो दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अच्छा सीरीज में देखिए प्लस माइनस, तो इसके देखने से पता लगता है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसको इन्होंने वो फॉर्म नहीं दे रखी है, सिग्मा माइनस वन की पावर एन इंटू वी एन का इन्होंने ना फॉर्म नहीं दे रखा है, तो इस सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो मैं इसको कन्वर्ट करने के कुछ तरीके हैं जो आपको बता देता हूं। दो बार आया हुआ क्वेश्चन 6-10 में, वो हमारी नोटिस में है और भी आया होगा, कई बार हमारी नोटिस में नहीं होता, तो इसको सिग्मा नोटेशन दे दो। अब सिग्मा नोटेशन जब आप दे रहे हो तो कभी कभी फर्स्ट टर्म जैसे वन है, वन को देख के कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या करें इसका क्या ना करें, तो अगर वन सीरीज के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता तो वन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, करता ठीक है, नहीं करता तो इग्नोर कर सकते हो। यू कैन इग्नोर वन टर्म, यू कैन इग्नोर टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, यू कैन इग्नोर एज मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज एज यू वांट, उससे कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी फिलहाल वन को डिलीट करके देखो क्या होता है। अच्छा अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेटिंग, तो देखो सिग्मा माइनस वन की पावर एन तो लिख ही दो, हो सकता है ये एन प्लस वन लिखना पड़ जाए, हो सकता है एन माइनस वन लिखना पड़ जाए, या एन से काम चल जाए। माइनस माइनस वन की पावर एन तो राइटिंग आप कर ही दीजिए। अभी हमने फिलहाल वन को इग्नोर कर दिया, क्यों, वन रिमेनिंग सीरीज के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, थोड़ा मिसमैचिंग कर रहा है, तो वन को अपने मन में इग्नोर कर दिया। माइनस वन की पावर एन क्यों लिख दिया, इस माइनस प्लस माइनस को अकोमोडेट करने के लिए ये कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर, ईच न्यूमरेटर इज वन, तो एनथ न्यूमरेटर विल ऑल्सो बी वन। अब देखिए फोर टू द पावर वन, फोर टू द पावर टू, फोर टू द पावर थ्री, तो एनथ टर्म में होगा फोर की पावर एन। अब देखना फोर का काम हो गया, समझ में भी आया होगा, थ्री फाइव सेवन का एनथ टर्म यहां लिखना पड़ेगा आपको, तो थ्री फाइव सेवन का एनथ टर्म, ये एपी है बेटे, और एपी का ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो थ्री प्लस एन माइनस वन डी, इसमें फाइव माइनस थ्री टू, कैलकुलेशन के बाद ये टू एन प्लस वन हो गया, ये आपको रफ वर्क करके दिया, ये टू एन प्लस वन है। एन वेरीज बिटवीन वन एंड इंफिनिटी। हमने इतने मटेरियल को आपके सामने सिग्मा नोटेशन दिया। अब एक बात ध्यान देना, अगर मैं यहां एन को जीरो पुट कर दूं, एन को वन की जगह जीरो लिख दूं, तो क्या होगा, तो माइनस वन की पावर जीरो क्या हुआ वन, और फोर की पावर जीरो क्या हुआ वन, और जीरो प्लस वन क्या हुआ वन, तो ये सारा मिलके वन हो रहा है, इसका मतलब इसे कवरेज मिल रही है वन को, और वन को कवरेज अगर इग्नोर कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं, सही है, और इग्नोर लेकिन हो नहीं रहा है, जीरो लिख दो तो ये कवर हो गया। देखो एन को जीरो लिखने से वन कवर हो रहा है, एन को जीरो लिखा मैंने तो माइनस वन की पावर जीरो वन, फोर की पावर जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, उसको कवरेज मिल रही है, दैट टर्म इज कवर्ड हियर, तो अच्छी बात है। उसको कवरेज नहीं दे सकते तो सीधे सीधे लिख देना इग्नोर द फर्स्ट टर्म एंड स्टडी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, तो कोई ट्रबल नहीं है,
तो इसमें बाई चांस ये कवर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो अगर जीरो टू इन्फिनिटी करते हो बहुत अच्छी बात है, और वन टू इन्फिनिटी करते हो तो भी कोई गलत नहीं है। वन टू इन्फिनिटी करते हो तो वहां लिख देना इग्नोर फर्स्ट टर्म। अच्छा एक बात और है, इस टाइम पर जब एन की वैल्यू जीरो दे दी तो माइनस वन की पावर जीरो फर्स्ट रिकवर हो गया। एन की वैल्यू जब वन दी तो माइनस वन की पावर वन क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो सेकेंड टर्म आपकी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आपका कवर हो रहा है, वो कवर होना चाहिए। अगर कवर नहीं हो रहा है ये नेगेटिव, तो इसमें एन पावर में ना एन प्लस वन या एन माइनस वन डाल देते हैं। पावर में अगर एन से ये टर्म नेगेटिव कवर नहीं हो रहा है तो एन प्लस वन डाल दो, कवर हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। अब कोई डाउट लगा हो मन में तो पूछो। नाउ योर क्वेश्चन हैज बिकम कंपेरेबल विद माइनस वन टू द पावर एन बी एन, और इसका अकेला लिमिट भी जीरो कर दो और बोलो ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और जीरो कन्वर्जेंस, तो इसे डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत नहीं है। फिर भी हम डिक्रीजिंग प्रॉपर तरीके से प्रूव करने की ट्राई करेंगे, प्रूव कर देंगे, लेकिन ज्यादा पिकुलियर रिजल्ट हो तो कई ऑथर्स हैं वो प्रूव नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू जीरो मस्ट बी डिक्रीजिंग, उसे डिक्रीजिंग होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जीरो कन्वर्ज कर नहीं सकती। ठीक है, तो हम लोग बी एन प्लस वन माइनस बी एन निकालेंगे। यस, बी एन आपका सामने दिख रहा है, बी एन प्लस वन हो गया, वन बाय फोर टू द पावर एन प्लस वन इन द ब्रैकेट टू इंटू एन प्लस वन एंड माइनस वी एन का मतलब वन बाय फोर की पावर एन टू एन प्लस वन। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, वन बाय फोर की पावर एन तो कम से कम कॉमन ले लेता हूं, बाकी अंदर देख अंदर रख के फिर देखते हैं क्या रह गया। वन बाय फोर रह गया और टू एन प्लस थ्री रह गया, टू एन प्लस वन इधर रह गया। कैलकुलेशन कर दो, टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस ट्वेल्व, क्लियरली नेगेटिव दिखने लग गया, माइनस सिक्स एन माइनस इलेवन है ऊपर, सो श्योरली नेगेटिव। देयर फोर सीक्वेंस बी एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली या डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली है वैसे ही है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो आया, डिक्रीजिंग प्रूव हो गया। तो लिमिट ऑफ बी एन इक्वल टू जीरो और प्रूव कर देता हूं। वी एन की वैल्यू पुट कर दो, फोर टू द पावर एन इंटू टू एन प्लस वन, एन को इन्फिनिटी स्ट्रेट अवे पुट करो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, डबल ऑफ इन्फिनिटी प्लस वन आइए, फोर की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लेकिन वन की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता, फोर की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, फाइव की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, हाफ की पावर इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, सर जीरो। बिल्कुल सही, जीरो होता है, क्योंकि ये लेस देन वन की पावर इन्फिनिटी कर डाली आपने तो ये जीरो होगा, वन बाई फाइव की पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो जीरो होगा। बिल्कुल सही है, सही सेंस है। तो इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू जीरो जो है वो इनडिटर्मिनेट होता है, वो इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी इंटू जीरो जीरो भी नहीं होता, लेकिन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी डिटर्मिनेट है और ये जीरो है, वन बाय इन्फिनिटी जीरो है। तो लिमिट ऑफ बी एन, आपको एग्जाम में इतना सारा ऐसे नहीं लिखना, नहीं डायरेक्ट जीरो लिख देना यहाँ पे,
ये सब एक तो एग्जामिनर को अच्छी तरह समझाओगे भी, ऊपर से बोलेगा क्या किया ये डिग्री क्लास के बच्चे ने, आप सीधा यहाँ 0 लिखो, ठीक है ये अपने लिए कर रहे हैं रफ में, और ये सही है बहुत अच्छा लिख, ज्यादा अच्छा लिखा है तो अच्छा है, एग्जामिनर शुड अप्रिशिएट आई थिंक, पर ये बुक्स में होता नहीं है सब, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, सर्च करते रहो होता है इसी तरह 0 है। ओके लिमिट ऑफ बी एन इज 0 तो सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू 0, अभी अभी पता लग गया, एंड इज डिक्रीजिंग, वो पहले पता लगा था, देयरफॉर सिग्मा माइनस 1 टू द पावर एन वी एन इज कन्वर्जेंट, हो गया फिनिश हो गया बेटे, डाउट पूछ सकते हो। ये है आगे तो ये अब एक टेस्ट आ गया, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, ये है कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट की 3 ब्रांचेज होती हैं, 1, 2 और एक नीचे लिखी 3। इसमें दो सीरीज को कंपेयर किया जाता है इसलिए इसको कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। मैं आपको ये वैसे तो इसमें लिखा हुआ है पर ये ऐसे रीड करके आपको समझाएंगे, उससे अच्छा हम वैसे बताते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट सबको याद होता है, मुझे भी याद है, आप भी याद करें, सबको याद होता है जनरली। इसमें है कि सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, दो सीरीज है, सिग्मा ए एन क्वेश्चन होगा आपका, गिवन सीरीज, गिवन सीरीज कौन होगी, सिग्मा ए एन, और सिग्मा बी एन आप डिफाइन कर लोगे, डिफाइन करना मैं सिखाऊंगा, आप डिफाइन कर लोगे, तो बी एन के बेस पर ए एन का कन्वर्जेंस टेस्ट किया जाता है, इसको कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सिग्मा ए एन तो क्वेश्चन है आपका, सिग्मा बी एन आप अपने एस्टीमेट से, आप अपने जजमेंट से, आप अपने ऑब्जर्वेशन से फॉर्म करोगे। ये सिग्मा बी एन एक ऐसी सीरीज होगी जिसका कन्वर्जेंस आपको पता होता है, पता होगा कि भाई ये कन्वर्जेंट है, तो बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट, बी एन के बेस पर फिर ए एन का कन्वर्जेंस निकाल लिया जाता है। कैसे निकाला जाता है वो मैं बताता हूं, मतलब कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए आपके पास 2 सीरीज होने चाहिए, एक क्वेश्चन देगा एक आप बनाओगे, आप कैसे बनाओगे वो हम बताएंगे कैसे कर बनाएंगे, बनाना होता है बी एन, तो 2 सीरीज होने चाहिए। उसके बाद इसमें 3 क्लूज हैं, एक क्ल्यू यह है कि आपने ना लिमिट ए एन अपॉन बी एन निकाला, लिमिट ऑफ ए एन बाई बी एन, यस लिमिट ऑफ ए एन बाई बी एन निकाला मान लो, और ये निकल गया फाइनाइट, और फाइनाइट में भी नॉन जीरो होना चाहिए, अच्छा 0 नहीं होना चाहिए, ए एन बाई बी एन क्या निकल गया, फाइनाइट निकल गया, ऊपर से नॉन जीरो निकल गया, तो इसका मतलब यह है कि सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, सिग्मा ए एन सिग्मा बी एन दोनों एक दूसरे के साथ ही हो गए, कंपेनियन हो गए, तो दे विल आइदर बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज, तो ये दोनों इस केस में अगर ए एन बाय बी एन का लिमिट फाइनाइट निकल गया तो सिग्मा ए एन बी एन का बिहेवियर एक हो जाएगा, दे बिहेव अलाइक, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, क्योंकि आपको हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ये लिखना होता है सेंटेंस, तो ये इजी पड़ता है, बिहेव अलाइक लिखना इजी पड़ता है, या आप लिखिए कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब इसमें इसमें क्या है, सिग्मा बी एन का बिहेवियर आपको पता होगा, मैंने बताया सिग्मा बी एन हम ऐसा डिफाइन करेंगे जिसको हम पहचानते हैं, अब सिग्मा बी एन मान लो कन्वर्ज करता है तो सिग्मा ए एन भी कन्वर्ज करेगा, सिग्मा बी एन मान लो डाइवर्ज करता है सिग्मा ए एन भी डाइवर्ज करेगा, तो
तो हम बीएन ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसका बिहेवियर हमको पता हो। तो एक बात ये हो गई बिहेव अलाइक, ये केवल इतना ही बोलता है। इसके बाद सिग्मा बीएन का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए एडवांस में। वी विल डिफाइन सिग्मा बीएन इन सच ए वे दैट बिहेवियर ऑफ सिग्मा बीएन इज नॉन टू अस। तो एक क्ल्यू ये रहा। एक और क्ल्यू है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। मान लो ये ए एन बाय बी एन लिमिट निकाली, ये नॉन जीरो नहीं निकली, जीरो निकल गई। जीरो निकल गई तो टेस्ट जो है अपना टोटली साइलेंट नहीं है, फिर भी कुछ पॉसिबल है थोड़ा बहुत। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पीस पहला वाला है, ये वाला, दे बिहेव अलाइक, दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। लेकिन अगर जीरो निकल जाए तो इसके साथ ना सिग्मा बी एन को कन्वर्ज करना पड़ेगा। अगर ये जीरो हो और सिग्मा बी एन कन्वर्ज करता हो तो आप कह सकते हो कि सिग्मा ए एन ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये उससे थोड़ा वीक टेस्ट है, कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये लिमिट जीरो निकल गई और सिग्मा बी एन आपका डाइवर्जेंट हुआ तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ये कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंट। लिमिट ए एन बाय बी एन इज जीरो एंड सिग्मा बी एन डाइवर्जेज, देन नथिंग कैन बी सेड ऑन द बिहेवियर ऑफ सिग्मा ए एन, टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। वो फेल कभी नहीं होगा। सिग्मा बी एन डाइवर्ज करता तो ए एन भी डाइवर्ज करेगा, बी एन कन्वर्ज करता तो ए एन भी करेगा। इसमें क्या है, सिग्मा बी एन को कन्वर्जेंट होना चाहिए तो सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट हो गया, पर सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट हुआ तो ये वाला टेस्ट आपका फेल हो गया। थर्ड में क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन बाय बी एन निकाला और वो पूरा इन्फिनिटी निकल गया, इन्फिनिटी निकल गया तो भी हम बिल्कुल साइलेंट नहीं है, हम कुछ कह सकते हैं। इस केस में ना सिग्मा बी एन डाइवर्ज करना चाहिए। अगर सिग्मा बी एन डाइवर्ज करता है तो सिग्मा ए एन ऑल्सो डाइवर्जेज। लेकिन लिमिट इन्फिनिटी निकल गई और सिग्मा बी एन कन्वर्ज करता है तो ये वाला टेस्ट फेल है। सम अदर टेस्ट कैन बी अप्लाइड इन दैट केस। बेटे आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर बाई टेलिंग यू दिस कंपेरिजन टेस्ट। यहां पे लिख देता हूं साइड में, वेरी इफेक्टिव कंपेरिजन टेस्ट। शॉर्टकट में हम लोग सी टी भी लिख सकते, एग्जाम में नहीं लिखना सी टी, यहां पे सी टी लिख सकता हूं, कंपैरिजन टेस्ट। तो ये टेस्ट शायद आपने याद कर लिया होगा, इसी के ऊपर बेस करके सो मेनी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। कंपैरिजन टेस्ट इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टेस्ट फॉर सीरीज। ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये बुक वाला बहुत सारा नोट्स में है, नोट्स वगैरह है वैसे ये, पर ये हमने सब समझा दिया, यही है वो। जैसे कि सामने ये क्वेश्चन, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। इसमें सिग्मा के आगे जो लिखा है वो ए एन है, ए एन हमें पता लग गया, यस, एन टू द पावर 4 - 7 एन स्क्वायर प्लस 1, 5 n की पावर 5 + 3 n² + 2। अब आप सूटेबल बी एन डिफाइन करो, बी एन डिफाइन करो, वो क्या है, जनरली 1 / n की पावर p डिफाइन किया करते हैं जनरली। अब कोई रिजिड रूल नहीं है पर यही डिफाइन करते हैं, p की वैल्यू इनको देख के निकाल लेते हैं। p की वैल्यू मैं बताता हूं कितनी है। पी की वैल्यू पॉलिनोमियल वाले केस में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मिल जाती है, पॉलिनोमियल के केस में। कुछ केस ऐसे हैं जिनमें याद ही करना पड़ता है, आपका अपना बी एन याद करना पड़ता है। इस केस में तो
फाइव माइनस फोर वन मालूम पड़ रही है पी की वैल्यू बेटे, तो बी एन आप डिफाइन कर दो वन बाई एन को, वन बाई एन। अब आप में से कोई बता सकता है सिग्मा बी एन, अभी इस समय पता है आपको सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट है बेटे, बिल्कुल। पी टेस्ट शायद आपको, देखो सिग्मा वन बाय एन की पावर पी कन्वर्जेज इफ एंड ओनली पी ग्रेटर देन वन। पी टेस्ट याद करो, बहुत इफेक्टिव टेस्ट है। यहां पर पी की वैल्यू वन है इसलिए सिग्मा बी एन डाइवर्ज करता है, तो इसका बी एन वन बाई एन डिफाइन हो गया आपका, इसका मतलब सिग्मा बी एन डाइवर्ज करता है, मतलब सिग्मा बी एन का हमें कन्वर्जेंस पता है कि डाइवर्ज करता है, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंस पता है, कन्वर्जेंस में दोनों आ जाते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तो इसका बिहेवियर कहने का मतलब पता है हमको, तो बिहेवियर पता है तो टेस्ट के लिए ये फिट है। ए एन अपॉन बी एन का लिमिट लीजिए, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन बाय बी एन, ठीक, ए एन वो लिखा पड़ा है डिवाइडेड बाय बी एन, ये एन ना उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप ए एन बाय बी एन शॉर्टकट जल्दी मतलब वैसे करना थोड़ा स्लो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये है एन इंटू दिस बाय फाइव एन टू द पावर फाइव प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू, ये जो एन है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट लेने के लिए आप ऊपर और नीचे ईच टर्म में एन की पावर फाइव का डिवीजन कर दीजिए, लिमिट लेनी है ना इसलिए एन की मैक्सिमम पावर का डिवीजन कर दो, तो एन फाइव बाई एन फाइव वन माइनस सेवन एन क्यूब बाई एन फाइव सेवन बाय एन स्क्वायर प्लस एन बाय एन फाइव वन बाय एन फोर, और इधर भी एन फाइव का डिवीजन लगा दो फाइव प्लस थ्री बाय एन क्यूब प्लस टू बाय एन की पावर फाइव, एन को इन्फिनिटी लिख दीजिए तो सेवन बाय इन्फिनिटी जीरो, वन बाय इन्फिनिटी जीरो, थ्री बाय इन्फिनिटी सब जीरो, वन बाई फाइव आ गया, वहीं पे लिख देता हूं वन बाई फाइव जो कि कैसा है नॉन जीरो, ये क्लू नंबर वन फिट हो गया, लिमिट ऑफ ए एन बाय बी एन इज नॉन जीरो, सो सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन बिहेव अलाइक, ए एन कॉमा सिग्मा बी एन बिहेव अलाइक बाय क्ल्यू नंबर वन ऑफ कंपेरिजन टेस्ट, आप खुद लिखना एग्जाम में कंपेरिजन टेस्ट, दे बिहेव अलाइक बट सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, बाय पी टेस्ट, पी टेस्ट कहता है हमारा सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है और इसलिए सिग्मा ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, मतलब आपकी सीरीज का, इस सीरीज का सम कभी नहीं निकल सकता, कोई इसके सम को निकाल नहीं सकता, इसका सम इन्फिनिटी है, फाइनाइट सम इसका एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सीरीज का सम एग्जैक्ट सम तो कभी वैसे भी नहीं निकल, बहुत सारी सीरीज हैं जिनका एग्जैक्ट सम नहीं निकलता, पर कम से कम हम इतना बता सकते हैं अपने टेस्ट के बेस पर कि सीरीज समेबल है भी कि नहीं, तो ये सीरीज तो समेबल ही नहीं है। कई बार आप देखोगे कि सीरीज समेबल है मतलब कन्वर्जेंट है, लेकिन कोई पूछे सम कितना है तो हम सम को निकालने की पोजिशन में नहीं होते। आपने अभी बहुत सारे लेबनीज टेस्ट वाले क्वेश्चन किए, उनमें जो क्वेश्चन कन्वर्जेंट आया, सारी आए थे कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट का मतलब है दोज सीरीज आर समेबल एस इनफिनिटी कैन बी फाउंड बट
नो वन कैन आस्क यू व्हाट इज द सम, रादर नो वन कैन रिप्लाई यू व्हाट इज द सम. समेबल है, कन्वर्जेंट का मतलब समेबल, उसका सम निकलेगा, पर कितना निकलेगा किसी को पता नहीं, कोई उनको एड नहीं कर पाया, सम नहीं कर पाया, पर समेबिलिटी आज तक टेस्ट हुई है. यस समेबल तो है पर सम का पता नहीं, और ये आपकी सीरीज ये समेबल ही नहीं है. कन्वर्जेंट ऐसी सीरीज निकलती है जो समेबल नहीं होती, मतलब समेबल होती है सम नहीं निकलता. ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32, एक सामने क्वेश्चन, एक दो और है कर लेते हैं, है तो अभी तो है, चलो ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा. इस सिग्मा के आगे ये नंबर लिखा ना ए एन, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, तो ये ए एन इतना स्ट्रेंज सा लिखा हुआ है, तो इसे थोड़ा रेशनलाइज करके ऐसा कर लेते हैं बी एन तो डिफाइन कर सके इसमें, तो बी एन डायरेक्ट याद करके बेशक डिफाइन कर दो, वैसे तो बी एन अभी डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए इसको रेशनलाइज करके कई बार ना वो बी एन डिफाइन हो जाता है. सो मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, क्योंकि हमने वहां, अब यहाँ नीचे लिख देता हूँ, रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन. रेशनलाइजेशन से बी एन डिफाइन करने में आराम पड़ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमीटर कॉपी डाउन करें एन स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर स्क्वायर रूट काट दो, तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, वन बाय अंडर द रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, ये आपका ए एन डिफाइन हो गया. ए एन आपने अच्छी फॉर्म में लिख दिया, ऐसी फॉर्म है कि बी एन कैन बी डिफाइंड बाय लुकिंग एट दिस, वन बाय एन की पावर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. ये एक रफ रूल है, ये सम में नहीं चलता, हमेशा नहीं चलता, और बुकों में लिखा नहीं है इतना ज्यादा, बुक वाले ना डायरेक्ट डिफाइन करते हैं हर क्वेश्चन में अलग अलग, तो मैंने ये सर्च कर लिया, ये थोड़ा थोड़ी बहुत हेल्प हमारी कर देता है, तो टोटल हेल्प तो ये भी नहीं कर पाता. वन बाय एन की पावर डिनोमिनेटर की डिग्री को देखो, यहाँ पे वन डिग्री, अब पॉलिनोमियल नहीं है फिर भी डिग्री का सेंस है इसमें, एन वन डिग्री, रूट ऑफ एन स्क्वायर का मतलब वन डिग्री, तो वन डिग्री का सेंस है इसमें, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वन माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जीरो, ये अगेन वन बाई एन आया बेटा. जो बुक में देखोगे बी एन इक्वल टू वन बाई एन, रीजन रूजन नहीं देते, फिर हमने जो पॉसिबल हुआ आपको रीजन दी. अब आप लिमिट ऑफ ए एन बाय बी एन निकालें, ये n अप्रोचेज इन्फिनिटी एवरी टाइम लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे सीक्वेंसेस सीरीज में ना n अप्रोचेज इन्फिनिटी होता है ऑटोमेटिक, तो केवल लिमिट वर्ड भी डाल दो तो चलता है, इज इक्वल टू ऐसा अकेला लिमिट लिख दो चलता है, प्रॉब्लम नहीं. तो इसमें क्या करना, दिस n विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, यू विल गेट n बाय रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन. मेरी हैबिट है थोड़ा प्रॉपर मैं तो लिखा करता हूँ, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी लिखिए आप, कुछ नहीं होता, अच्छा लगेगा. अब लिमिट का अरेंजमेंट, ऊपर नीचे एन की मैक्सिमम पावर जो वन है ना, तो एन की पावर वन का डिवीजन करो लिमिट लेने के लिए, ज्यादा पिकुलियर क्वेश्चन में हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन, तो एन बाई एन हो गया, डिनोमिनेटर रूट एन स्क्वायर प्लस वन के नीचे मैं एन स्क्वायर डाल देता हूं, एन का डिवीजन लगाया, अंडर रूट के अंदर है ना एन स्क्वायर, इधर हो गया अपना एन बाय एन. लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर हो गया वन, डिनोमिनेटर वन प्लस वन बाय एन स्क्वायर, और ये वन, वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये वन बाय टू आ गया बेटे, नॉट इक्वल टू जीरो. लिमिट ऑफ ए एन बाय बी एन
इज नॉन जीरो फाइनाइट, सो सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. सिग्मा ए एन सिग्मा बी एन बिहेव अलाइक, दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. नाउ सिग्मा बी एन विच इज सिग्मा वन बाई एन कन्वर्जेज और डाइवर्जेज. इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, याद करके रखो उसको. सिग्मा वन बाई एन डाइवर्ज करता है. एक दिन मैं प्रूफ भी कर दूंगा इसके. डाइवर्जेंट प्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे, लेकिन ये सीक्वेंस में प्रूव होता है, सीरीज में प्रूव इसको नहीं किया जाता. तो डाइवर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. हो गया. अब कहीं मन में डाउट लगता हो तो पूछो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. मैं एग्जाम में भी ऐसे इतना ही लिख के आना है ना? इतना ही लिखना ही है बोल रहे? यस सर. हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा लिखा है ये तो, इसमें फुल मार्क मिलेंगे आपको. ओके सर. हाँ जी हाँ जी. राइटिंग तो राइटिंग पूरी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इतना ही लिख के आना. और अब मुझे लगता है आज आप को तंग करना आगे ठीक नहीं है, टाइम पूरा हो गया तो अब अगले दिन ही करेंगे. काम तो काफी हो गया तो अब यह है कि आपकी बारी है, क्योंकि टाइम भी ठीक था और प्लस सिलेक्शन अच्छी थी ना, कि ये काम पहले से